नमस्कार, नवामपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भय का परिहार कैसे होता है, क्रोध और बैर में क्या अंतर होता है और ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले हम देखेंगे क्रोध और बैर। क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पड़ा रहता है। कोई हमें दुख पहुंचा रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उसको प्रभावित करने के लिए हम उस पर क्रोध करते हैं और इससे होता यह है कि वो दुख या तो हमेशा के लिए या बहुत अधिक समय के लिए वो हमसे दूर हो जाता है। लेकिन भय की स्थिति में ऐसा नहीं होता। यदि हम क्रोध करेंगे तो दुख दूर तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम उससे भयभीत होंगे तो दुख दूर नहीं होगा, दुख और देने लगेगा वो सामने वाला। इसलिए क्रोध दुख के कारण को प्रभावित करने के लिए लड़ा जाता है, किया जाता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। भय से हम अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए। अब आचार्य रामचंद्र सुन ने बहुत अच्छी युक्ति कही है क्रोध और बैर के लिए। उन्होंने कहा क्रोध बैर कहे क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। जैसा आपने देखा कि हम किसी फल को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसका मसाले डाल दिए, उसमें तेल डाल दिए, ज्यादा समय तक उस फल को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे हमारे मस्तिष्क में जब क्रोध संचित हो जाता है उसका हम यह है क्रोध तुरंत नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाते तो हम क्रोध को हम अपने मस्तिष्क में एक जगह एकत्रित कर देते, स्थायी रूप से वो बना रहता है। कब तक? जब तक वो हमें दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, दोबारा हमारे सामने नहीं आता है। उदाहरण बता देता हूँ कि मान लो ये एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति उससे कोई बात से बुरा मान लिया, उसको क्रोध आ गया, उसने उसको मार दिया और मार के वो भाग गया। उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मार के भाग गया। अब चूंकि वो पिट गया तो क्रोध तो आएगा उसको। अब चूंकि वो है ही नहीं है तो क्रोध किससे करे, तो वो क्रोध जो है वो अपने मस्तिष्क में संचित कर रहे हो। और जब वो व्यक्ति दोबारा उसके सामने आएगा तो क्रोध दोबारा से जो है उसके जागृत हो जाएगा। तो ये बैर है। जब यह क्रोध को हम उस समय तक के लिए अपने मस्तिष्क में संचित करके रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका दोबारा हम नया उपयोग करते हैं तो वो बैर बन जाता है। जिस तरह ये अचार का मैंने उदाहरण बताया आपको कि अचार यानी किसी भी फल को हम संचित रखने के लिए उसका अचार डाल देते हैं, ऐसे क्रोध को हम जो है उस समय के बाद उपयोग करने के लिए उसको बैर के रूप में अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं। तो ये था क्रोध और बैर में अंतर। अब बात आती है कि ये भय की उत्पत्ति होती कैसे है, भय कहां से आता है, क्यों होता है भय का भाव हमारे अंदर। ये होता है असभ्यता के कारण या अज्ञानता के कारण। जब हम किसी चीज को किसी चाहे वो पशु हो चाहे दूसरा जानवर हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसको हम जानते नहीं है तो हम उससे भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्वभाव से परिचित नहीं है और इसी कारण से हम भय से अपना काम निकालते हैं। मान लिया जाए कि हम किसी नए शहर में जाते हैं, हम यहां रह रहे हैं, यहां से हम दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहां पर हम किसी भी व्यक्ति से एकदम से जो है सामान्य बातचीत नहीं करने लगते। क्यों? क्योंकि हमें उसके स्वभाव से हम परिचित नहीं है, इसलिए हमें भय रहता है, डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो उसको कोई बुरी बात लग जाए, बुरा माने, क्रोधित हो जाए। तो हम धीरे धीरे जो है उससे परिचय बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जब परिचय हो जाता है तो फिर वो हमारे अंदर भय और उससे बात करने में भय आ रहा था, हमारे मस्तिष्क में डर लग रहा था, वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जंगली जानवर जो होते हैं आपने देखा होगा कबीले में रहते हैं, गाँव में वो जंगलों में लोग रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, तो उन लोगों में जो है भय ज्यादा होता है क्योंकि वो जो है सामान्य
इनसेंसिबल ही होते हैं, उनको जानते नहीं। इसलिए नए व्यक्ति को जब को देखते हैं तो हमने भाला देख पड़े हुए हैं, तैयार हो जाते। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों में देखो कि जो है वो कबीले में लोग रहते हैं और वो जो है वो पत्ते और वो जो है लपेटे हुए वो आ जाते हैं और वो भाले लिए रहते हैं ऐसा। तो फिर वो जब उनका हीरो वो बन जाए तो उसको उठा के ले जाएंगे, बांध के ले जाएंगे, क्यों भय के। और वो कहा जाएंगे उनको विशाल पत्थर की मूर्ति बन लोगे, बांधे जाएंगे, वो डांस करेंगे, ये सब जो है भय के कारण। जैसे जैसे उनका परिचय बढ़ता है वैसे वैसे भय खत्म हो जाता है। और ये जंगली जाति के लोग होते हैं, ये कबीले में रहते हैं, 20-25 व्यक्तियों का इनका समूह होता है, उससे ज़्यादा लोग नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनके लोगों को परिचय का विस्तार बढ़ता है, भय खत्म होता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा बच्चा है, बच्चों में भय ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो उनमें परिचय नहीं होता है। हमारे भारत में भी यही देखा होगा आपने, जहाँ अशिक्षित ज्यादा है वहाँ भय ज्यादा होता है। अशिक्षित लोगों के जो देवी देवता होते हैं वो वैसे कल्पित होते हैं, जिससे वो डरते हैं, उसकी उपासना करने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। ऐसा कहाँ होता है? जहाँ अज्ञानता होती है, असभ्यता होती है, वहां पर भय से काम निकाला जाता है, जिससे हम भयभीत होते हैं, उसकी उपासना करने लगते हैं। गाँव में देखा होगा आपने, गाँव में बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, वो भी जो है कोई शहर के व्यक्ति का पंचायत भी है, वो उनसे आदर सत्कार करते हैं, भय से अपना काम निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये कारण यही है कि अज्ञानता कारण जानते नहीं उसको, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित होती है। चलने बनना है कि छोटे बच्चे उनमें भाव ज्यादा देवता नहीं होते, भाव आता है चले आपस में लड़ते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, पकड़े एक चलने लगते हैं। उनमें दुख का पर्याय करने का ज्ञान बल नहीं होता, दुख को दूर करने की उनकी क्षमता नहीं होती। और जब क्षमता नहीं होती तो वो जो है भय से काम निकालते हैं। एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ के पास गया, पिता के पास वो बहुत कई महीने बाद जाता है, धीरे धीरे उसका विस्तार बढ़ता है, पहले माँ के पास जाएगा, फिर पिता के पास जाएगा, फिर धीरे धीरे दूसरे परिवार के लोगों से मिलेगा, बाकी लोगों के पास बाहर का कोई व्यक्ति है उसके पास नहीं जाएगा, भाग जाएगा। ये भय के कारण है, क्योंकि उसमें उसका सामना करने की शक्ति नहीं है, भय का परिहार करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। पहले धीरे धीरे क्रमशः भय का परिहार जो है धीरे धीरे होता है, क्रमशः होता है। बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद जो है वो माँ के पास जाएगा, माँ के बाद पिता के पास जाएगा, फिर जो है परिवार के दूसरे लोगों से मिलेगा, गेट तक जाएगा, कई बार देखा होगा आपके गेट पे बच्चे खड़े रहते हैं, आप वहां से निकल के जाए अंदर से तो आपको जीत चढ़ा देंगे, अंदर से जीत चढ़ा के रहेंगे, लेकिन जैसे आप पास जाएंगे वो भाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपसे परिचित नहीं है, आपको जानते नहीं है, इसलिए वो आपसे भेज देते, धीरे धीरे भय करते हैं। बच्चा गेट से बाहर जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा, मोहल्ले में बच्चों से परिचय बढ़ेगा, उसका मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलेगा, फिर वो स्कूल जाएगा, स्कूल में जाए जाने में वो पहले तो रोएगा, क्यों रोएगा? क्योंकि उसको अभी स्कूल के लोगों से उसका परिचय नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है कि नुकसान पहुँचा सकते, मुझे दुख दे सकते, इसलिए जो बीच में वो रोने लगता है, जैसे माता पिता छोड़ने जाते हैं वो रोने लगता है। यहाँ एक दो दिन निकलते हैं तो जो दूसरे उनकी टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ घर में जाते हैं, वो ये जान जाते हैं कि हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमें कष्ट नहीं पहुँचाएंगे, इस तरह उनके दिल को भय निकल जाता है। आप दूसरे शहरों में जाते हैं, आपने देखा होगा आप अपने शहर के लोगों से भले ही आप बातचीत नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं जानते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, लेकिन वही व्यक्ति भी आपको दूसरे शहर में मिल जाए तो आपका घनिष्ठ हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे हमें कोई भय नहीं है। तो अपरिचित लोगों से भय ज्यादा होता है और धीरे धीरे भय का पर्याय होता है। एक और बात बता देता हूँ, मान लो जंगली जानवरों का भय, जंगली जानवरों से भय धीरे धीरे खत्म होता जाता है, क्यों हो रहा है? ज्ञान से और बुद्धि से और अपने शारीरिक बल से मनुष्य धीरे धीरे भय से दूर होते रहते हैं। सबसे पहले भूतों का डर होता था, बाहर कुछ पेड़ के
पास भूत है, ऐसा है, उस गांव में भूत है, उस बंगले में भूत है, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सभ्यता जीवन बढ़ा वो भूत का भय भी खत्म हो गया। जानवरों का भय, मान लो एक सांप, सांप से भय लगता है, डर लगता है, किसको लगता है? हमें लगता है, आपको लगता है, लेकिन सपेरे को लगता है? सपेरे को भय क्यों नहीं लगता? वो क्यों पकड़ लेता है उसको? क्योंकि उस सांप के बारे में उसको जानकारी है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सांप जहरीला है या नहीं है। इस कारण से वो सांप को पकड़ लेता है, और जिसको जहरीला होता है उसको अपने तरीके से पकड़ता है, उसका जहर निकाल देता है। मतलब उसको ज्ञान है, ज्ञान नहीं आया उसको भय है, सांप से दूर हो गया। लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं है कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, तो हम सारे सांपों से डरते हैं। तो भय का पर्याय क्या होता है? जब अगर हम जानते नहीं है उसके बारे में तो हमारा भय भी खत्म हो जाएगा। पहली बार मान लो यह है, भैंस को सपने देखी होगी, भैंस तो देखी होगी, तो भैंस कल्पना करो आप पहली बार किसी ने भैंस को देखा हो, कल्पना करो पहली बार किसी ने भैंस को देखा हुआ, इतना मिसाल जान लो, और वो देखा हुआ आपने जुगा नहीं करता, भैंस जुगा नहीं करती, भैंस नहीं करती, चलता। तो ये जो है पहली बार किसी ने देखा होगा, उससे तुम से भयभीत हो जाओ, क्योंकि वो उसके बारे में जानता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समाज में जो है, लोगों के बीच में जो है, वो उपयोग में आने लगी भैंस, जानने लगे लोग कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इससे हमें डर नहीं है, तो धीरे धीरे वो भय उसका खत्म हो गया। भैंस छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मर जाते। तो भय का पर्याय धीरे धीरे होता है, क्रमशः होता है, और व्यक्ति अपने ज्ञान से, ज्ञान बल से, हृदय बल से और शरीर बल से, इसका महत्वपूर्ण बात है कि शरीर के बल से भी भय को दूर किया जाए। कोई पहलवान है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, उससे लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी शरीर की शक्ति से जो है वो भयभीत हो जाए, डर जाए, और उसको कोई भयभीत नहीं कर पाता है, अपने भय को जो है वो शरीर बल से दूर कर देता है, कुछ ज्ञान से, कुछ बुद्धि से। आज की स्थिति में यह है कि भय दूसरे जानवरों से, दूसरी चीजों से तो भय खत्म होता जा रहा है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य का भय बढ़ता जा रहा है। दुख देने के तरीके बदल रहे, पहले लोग सीधे सीधे जो है दुख दे देते थे, कष्ट पहुंचा देते थे, कोई भी किसी को मार के चला जाता था, कोई भी किसी को जो है नुकसान पहुंचा देता था। अब कानून बन गए, नियम बन गए, तो दुख देने के तरीके भी बदल गए। अब जो है लोग अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट पहुंचाते, दुख पहुंचाते, किसी की जमीन अपने नाम पर बदल, रिश्वत देकर, घूस देकर जो है उसको जो है अपने पक्ष में कर लिया, तो तरीके बदल गए हैं। लेकिन अभी भी मनुष्य को मनुष्य भय बना हुआ है, और ये जो है तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य स्वयं अपने बुद्धि से, हृदय बल से और अपनी सामर्थ्य से उसको हटाकर नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज जो है हमने क्रोध और भय के बारे में पढ़ा, अब अगले वीडियो में हम उषा प्रेमदास जी वापसी